जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताते रहा करिए। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट है मुझ में, लेकिन पूरा नहीं, पूरा भी हो जाएगा। आप लोगों की इतनी सारी दुआएं और इतना प्यार जो मिलता है। आज मैं आपसे एक बहुत छोटे से लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने आई हूँ। अक्सर मैं देखती हूँ लोग अपने हाथ में कड़े पहनते हैं। कई बार मैं पूछती हूँ, क्या आपको किसी ने सजेस्ट किया ये कड़े पहनने के लिए, तो वो मुझसे कहते हैं नहीं, हम अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, हमारा मन है इसलिए हमने पहन लिया। कड़े कभी भी अपनी मर्जी से नहीं पहने जाते। लोहे का या फिर स्टील का जो कड़ा होता है वो शनि का प्रतीक होता है, और शनि आपकी कुंडली के अंदर आपके कर्म, आपकी मेहनत, आपके पराक्रम को देखता है, आपके कार्य को देखता है। तो कभी भी शनि का कड़ा बिना ये जाने कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है, उसकी डिग्री क्या है, आपको धारण नहीं करना चाहिए। सोने का कड़ा सूर्य का प्रतीक होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि उचके हैं या शनि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके भाग्य स्थान के देवता हैं, तो आप सूर्य का सोने का कड़ा कैसे धारण कर पाएंगे? थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें तांबे के कड़े की, तो ये कड़ा होता है मंगल का, और ये आपके अंदर मंगल की तीव्रता को बढ़ाने का कार्य करता है। चांदी का कड़ा आपके चंद्रमा को बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। आपको कड़ा पहनने से पहले किसी सलाहकार से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। अगर आप जिस भी धातु का कड़ा पहन रहे हैं वो आपकी कुंडली के ग्रहों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते, तो आप बेशक पहनिए। लोग क्या करते हैं, उठाया, ले आए, अच्छा लगा, पहन लिया। नहीं, उसे शुद्ध करिए। जिस धातु का ला रहे हैं उसका दिन वार नक्षत्र देखकर उसे धारण करिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एक दृढ़ता का प्रतीक होता है कड़ा पहनना। अपने आप में ईश्वर का आशीर्वाद होता है, इसीलिए स्त्रियों को ज़रूर से हाथ के अंदर चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ज्योतिष शास्त्र की, इसे यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने आपको इसे धारण करने के कुछ नकारात्मक प्रभाव बताए, लेकिन कड़ा पहनना एक सकारात्मक प्रभाव भी है। जैसे कि अगर हम तांबे का कड़ा मंगलवार के दिन धारण करते हैं, तो हनुमान जी का हमें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंगल हमारा स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, हमारी ज़िंदगी से कर्जे जाने लगते हैं, हमारा भाग्य उदय होने लगता है। अगर हम चांदी का कड़ा शुद्ध दूध, कच्चे दूध से, शुद्ध का मतलब गाय के शुद्ध दूध से धोकर अगर हम सोमवार के दिन उसे पहन लेते हैं, तो हमारा चंद्रमा बलि होता है। टेंशन, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी, इन सबसे हमारी प्रोटेक्शन होती है। हमारी लाइफ की सक्सेस बढ़ने लगती है, हमें प्रगति मिलने लगती है, हमारी लाइफ की कुंजी होती है चांदी। चांदी अगर हमने ढंग से, सही तरीके से, सही दिन, सही तरीके से पूजन पाठ कर अगर धारण करी है, तो हमें सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है, हमारा नाम, हमारी शोहरत बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। अष्ट धातु का कड़ा अगर हम रविवार के दिन हाथ में धारण करते हैं शुद्ध करके पंचामृत से, और हम इसे सूर्य उदय से लेकर 10 बजे तक के बीच बीच में धारण कर लेते हैं, तो यश मान कीर्ति बढ़ती है। सरकार से हमें कोई पुरस्कार मिलने के पूरे पूरे योग हो जाते हैं, सरकारी नौकरियां निश्चित हो जाती हैं, हमारे शत्रु हमारा कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, हमारी प्रोटेक्शन हो जाती है, हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ जाती हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी बुद्धि विवेक बढ़ जाता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, लेकिन अगर आप गलत तरीके से इसे पहनेंगे, धारण करेंगे, तो ये आपके लिए नुकसान का कारण भी बन जाएंगी। मैं फिर कुछ ऐसी अच्छी और इम्पॉर्टेंट बातें लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ ये जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं।
मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।